बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो है ना हमें मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बना के। कल की वीडियो में हमें राणा आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशली सैनिटरी के बारे में। इन्होंने हमें कुछ थोड़े से शावर सेट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया। फिर उनकी अगर आप कैटलॉग्स लेना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं राणा आसिफ साहब का नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप से रब्ता करके वो कैटलॉग्स भी मंगवा सकते हैं, उसके अंदर प्राइस लिस्ट अवेलेबल है शावर सेट्स की। देन फिर उन्होंने हमें वैनिटीज़ के बारे में बताया कि वैनिटीज़ कैसे काम करती हैं, जो वॉल हैंगिंग जो आ गई आजकल आपको पता है, वो भी हमने थोड़ा सा उसका भी एक रिव्यू आपको दिया। आज हम इनसे जानेंगे इलेक्ट्रिक केबल्स के बारे में और इलेक्ट्रिक के जो सामान होता है उसके बारे में। जी राणा आसिफ साहब, कैसे हैं आप? राणा सिंह साहब, पहले आप हमें ये बताएं कि आपके पास क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या फर्क हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वायर्स में हमारे पास जो है ना इस वक्त पाकिस्तान केबल, फास्ट केबल, पाक मुजफ्फर और अल्फा केबल, ये सारी ही तारें कॉपर में जो है ना हमारे पास मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के अच्छे ब्रांड हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, इनका जो प्राइस डिफरेंस होता है उसकी क्या मेजर रीज़न होती है कि लोग कहते हैं कि जी ये महंगी केबल लेंगे तो शायद अच्छी क्वालिटी मिलेगी या ऐसा कुछ, तो उसके बारे में तो ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ महंगी हो तो अच्छी भी हो। ये है कि कुछ कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट अपनी ज़्यादा कर रखी होती है, जैसे कि वो फैसल हो गए, सुनेक्स हो गए, मास्टर के सेट हो गए, उनके एड्स वगैरह भी जो है चलते रहते हैं, आपने देखे होंगे। इसी तरह पाकिस्तान केबल का भी, फास्ट केबल का भी, पाक मुजफ्फर का भी, इन जो वायर्स हैं इनके जो है ना वो चलते रहते हैं एड्स वगैरह। तो वो अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आप जो केबल सस्ती लेके आ रहे हैं उसमें कॉपर है ही, उसमें सिल्वर? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आजकल जितनी भी वायर्स हैं ना वो सारी ही कॉपर में होती हैं, लेकिन एज डाउन होती है। जैसे कि अब ये 329 की केबल पड़ी हुई है, 329। अच्छा, मैं आपकी बात एक मिनट कट करूंगा, पहले हमारे व्यूअर्स को 329, 729, 736 ये अक्सर केबलों के ऊपर लिखा हुआ होता है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि ये क्या सिलसिला होता है, कैसे केबल के बारे में। जो केबल जिसके ऊपर 329 लिखा होता है ना, इसमें तीन वायर्स होती हैं और उसकी जो गेज होती है ना वायर की वो 29 होती है। इसी तरह 729 के अंदर 7 तारें होती हैं। अच्छा, ये वो जो कॉपर की पतली-पतली स्ट्रिप्स होती हैं वो होती हैं बेसिकली। अच्छा, यानी 729 की केबल का मतलब ये है 7 तारें हैं उसके अंदर। अच्छा, 7 तारें हैं उसके अंदर और 29 उसकी गेज है। इसी तरह 736 की 7 तारें हैं और 36 गेज है, 329 की 3 तारें हैं और 29 गेज है। ठीक है, चलें। ये व्यूअर्स, आज बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है आसिफ भाई से। अक्सर लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें लोग एक दूसरे से पूछते हैं, माल दो के मैं इस बारे में बड़ा अच्छे से जानता हूँ बना पुराना, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एक आ गई है कि अगर कहीं पे 329 या 736 या 729 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एक केबल होगी इंसुलेटेड, उसके अंदर 7 कॉपर की स्ट्रिप्स होंगी, ईच स्ट्रिप विल बी हैविंग 29 गेज। तो 729 की केबल के बारे में मैंने आपको बताया। तो आगे चलते हैं, आसिफ भाई से जानते हैं कि ये कॉपर, और वो जो मैंने सवाल किया कि कॉपर अक्सर लोग कहते हैं सिल्वर इसमें डला हुआ है केबल में, सिल्वर होगा या ये कैसे? सिल्वर नहीं होता, आजकल कंपनियां सिर्फ गेज को डाउन कर लेती हैं। जिस तरह अगर किसी इंग्लिश की केबल जैसे चल रही है उसके अंदर गेज डिफरेंट होती है, किसी में 26 गेज होती है, किसी में 27 होती है, किसी में 28 होती है, किसी में 29 होती है। ठीक है, तो लेकिन जितने भी बड़े ब्रांड हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फास्ट हो गया, ये पाक मुजफ्फर हो गया, अल्फा हो गया, इनकी गेज पूरी हैं। अच्छा, लेकिन प्राइस का डिफरेंस तो बहरहाल है ही है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान केबल ने अपने आप को बहुत सी जगहों पर रजिस्टर्ड करवा रखा है, सरकारी कामों में, एमईएस के कामों में पाकिस्तान केबल ही डलती है, इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी सी जो है मार्केट के अंदर तेज रहती है फास्ट केबल की निस्बत। और अच्छा, रीजन के वो डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड ज्यादा है उस वजह से उसकी प्राइस ऊपर हो जाती है, ऐसे ही। अच्छा, दूसरी चीज जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो महंगी केबल से मुराद ये है कि उसकी इंसुलेशन अच्छी होगी, ये भी मैंने ये तो मैं 100% श्योर है कि देयर इज सम डिफरेंस, ऐसे ही है। इंसुलेशन पाकिस्तान केबल की जैसे कि जो है ना इंसुलेशन सबसे अच्छी है इस वक्त, अगर इसमें कोई फायर वगैरह की वजह से तार ब्रस्ट भी अगर हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6-8 इंच तक जो है ना इसका पीवीसी जो है ना ऊपर जो इसकी इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है उसको हम तो पीवीसी कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 4-6 इंच तक जो है ना चल जाता है। अच्छा, फायर को रेजिस्ट कर देती है थोड़ी देर बाद, रेजिस्ट कर लेती है, तो इस वजह से जो है ना ये ज्यादा इसलिए कामयाब है ये तार औरों के लिए। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छे ब्रांड की केबल लेते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेशन अच्छी होगी, दैट विल रेजिस्ट द फायर इंसिडेंट, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ हो गई तो वो उसको वो करेगी, क्या नाम है, उसको प्रिवेंट करेगी उसको मजीद आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने से। अच्छा, तो अच्छे ब्रांड्स जैसे फास्ट भी एक बड़ा अच्छा रिनाउंड ब्रांड है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही ऐसी उनका भी पीवीसी बहुत अच्छा है, इसी तरह पाकिस्तान से मिलता जुलता ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर ही।
ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, क्योंकि प्राइस में भी मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा 19-20 दो 250 रुपए का डिफरेंस है पर क्वायर के बीच। अच्छा, और ये पंखे बड़े खूबसूरत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। ब्रांड ब्रांड का नाम ब्रांड का नाम नहीं लेते, ये एक ही ब्रांड के पंखे हमारे पास पड़े हुए हैं, और ये काफी सारे बल्क में जो है ना पड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम डिफरेंट कंपनियों के अगर अपने पास रख लें ना, तो उसमें फिर जो है ना वो उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सभी कंपनियों में तकरीबन ये डिज़ाइन होते हैं, आप SK का फैन ले लें, पाक फैन ले लें, वाहिद फैन ले लें, GFC फैन ले लें, डिज़ाइन तकरीबन सेम होंगे, एक दूसरे की काफ़ी करते हैं। ठीक है, जो पीछे कमरों के अंदर लगाने के लिए ज़्यादातर लोग जो है ना इन वाइट कलर के जो पंखे हैं इनको यूज़ करते हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक नाम भी है? ये डिलक्स मॉडल हो गया, ये एयरमैक्स हो गया। ठीक है, मतलब डिलक्स मॉडल में कि हर ब्रांड में, मतलब हर कंपनी में डिलक्स मॉडल मिल जाएगा और उसका डिज़ाइन भी सेम ही होगा। अच्छा, ठीक है, तो ये जो दूसरे डिज़ाइन वाले पंखे पड़े हुए हैं सभी कंपनियों में इसी डिज़ाइन के अंदर पंखे पड़े हुए हैं। इस सीज़न में ये वाले जो है ना तीन पंखे जो है नए आए हैं स्मार्ट पंखे, बाकी सारे जो है ना एनर्जी सेवर हैं आजकल सभी कंपनियों, जितने भी बड़े ब्रांड हैं पाकिस्तान के उन्होंने पंखे एनर्जी सेवर जो है ना बना रखे हैं। ठीक है, एक चीज़ और चलती है कि वो कॉपर, इसमें कहते हैं कि कॉपर फिटेड होना चाहिए पंखे में, अगर कॉपर नहीं है तो बिजली ज़्यादा खाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी। डेफिनेटली अगर कॉपर नहीं होगा तो बिजली ज़्यादा खाएगा, कि जैसे कि आजकल, जैसा कि आजकल ज़्यादातर पंखों के अंदर जितनी भी कंपनियाँ हैं पाकिस्तान के बड़े ब्रांड हैं उन्होंने दो तरह के पंखे बना रखे हैं, एक कॉपर में होते हैं और एक चाइना कॉपर में होते हैं। चाइना कॉपर, सबसे पहले तो आपको जो है ना इस बात का इलम होना चाहिए कि दुकानदार से जब आप पूछते हैं कि पंखा कॉपर में है तो वो कह देता है कि कॉपर में है, लेकिन आप उनसे लाजमी पूछ लिया करें कि चाइना कॉपर है या पाकिस्तान में। चाइना कॉपर बेसिकली जो है ना सिल्वर ही होता है, तो उसमें पंखा जो है ना ज्यादा बिजली ज्यादा खाएगा। अच्छा, तो अगर बड़े ब्रांड्स में भी सिलसिला है कि आप उनसे पहले पूछें? सभी में ये दुकानदार पे डिपेंड करता है कि वो पंखा चाइना कॉपर में लेके आता है कंपनी से या कॉपर में लेके आता है। अच्छा, मतलब जितने भी व्यूवर्स हैं उनको पंखा लेने से पहले जाके कंफर्म करना चाहिए कि हम पंखा कॉपर में ले रहे हैं या चाइना कॉपर में। हाँ, किसी भी ब्रांड को उनसे पूछना चाहिए, अगर आप ये पाक फैन का पंखा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, दुकानदार से ये लाजमी पूछना चाहिए कि कॉपर है या चाइना कॉपर है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉपर में जो है ना पंखा लेना चाहिए। बड़ी इन्फॉर्मेशन, बड़ी करामद इन्फॉर्मेशन है। इन पंखों के ऊपर बिजली बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है घर के अंदर, आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिक क्राइसिस है पाकिस्तान में और सोलर पे चले गए हैं लोग, उस पर अगर आपका फैन एक बड़ी ज़्यादा बिजली खाने वाली आइटम है, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें एनर्जी सेवर होती हैं, 12 वाट के 13 वाट के आपके बल्ब होते हैं, तो जब आप पंखे की बात करते हैं तो एटलीस्ट 100 वाट का मेरे ख्याल एक पंखा होता है। 100 वाट का पंखा अगर आपका सही वर्क नहीं कर रहा, एफिशिएंसी नहीं दे रहा और 200 वाट ले रहा है, तो 200 वाट अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे चलाते हैं तो दैट मेक्स अ लार्ज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो कोशिश करें कि चाइना कॉपर में पंखा ना लें, बल्कि प्योर कॉपर का पंखा मांगे, कहकर मांगे शॉपकीपर से। और आपके पास क्या है सर? इसके अलावा शीट्स वगैरह हैं, ये सारे बटन सुसाकड़ जिसको कहते हैं, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। इसमें भी किसी भी कंपनी का अगर आपके पास जो है ना सुसाकड़ अगर आपको। अच्छा, इसके अंदर पहले थोड़ा सा ब्रांड्स के बारे में बताते हैं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये नहीं बन रहे या बन रहे हैं? नहीं, इसको चाइना फिटिंग कहते हैं, कुछ तो पाकिस्तान में बन रहे हैं, लेकिन ये जो शेप है या डिज़ाइन है इसका नाम ही असल में चाइना का, चाइना है। अच्छा, और ये वहीं से बनकर आ रहे हैं? मोस्टली वहीं से बन के आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी बनने लग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इस डिजाइन का पहले हमारे को जो बड़े साइज के बटन आया करते थे ना, लोकल बटन जिसे कहते थे, उनमें इतनी स्पेस नहीं होती थी, अगर वो 4-5 बटन इतने छोटे से होल में लग भी जाते थे ना तो बाकी पूरे कमरे को ऑपरेट करना मुश्किल होता था। अब जो ये छोटे साइज के अंदर शीट आ गई, इसके बटन भी छोटे साइज में है, तो इसके अंदर तकरीबन जो है ना 8 से 10 बटन जो है ना लगे होते हैं, 8 बटन लगे होते हैं, 2 सॉकेट्स लगे होते हैं। अक्सर इसमें मतलब अक्सर लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 सॉकेट्स होते हैं और 2-4 बटन होते हैं या 2-4 बटन होते हैं, 1 सॉकेट होता है, तो वो कमरे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना उन्होंने वो लगाए होते हैं। इलेक्ट्रिशियन को पता होता है कि इस कमरे के अंदर जो है ना मुझे 5 बटन चाहिए, तो वो 5 बटन और 2 सॉकेटों वाली शीट ले लेता है। ठीक है, 6 बटन और 2 सॉकेटों वाली शीट, मतलब ये चेंजिंग पॉसिबल होती है शीट के अंदर, साइज यही होगा जैसे कि ये नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना बटनों की तादाद कम ज्यादा हो सकती है, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक कमरे के अंदर कितने पॉइंट्स लगे हुए उसके मुताबिक जो है ना आप ये इसमें। अच्छा, इसकी भी क्वालिटी चेक करने का कोई तरीका है कॉपर या ऐसा? हाँ, इसकी भी क्वालिटी चेक करने का सबसे पहला तरीका है कि 16 एम्पीयर में होनी चाहिए शीट जो है ना, 16 एम्पीयर में होनी चाहिए, जैसी की ये नजर आ रही है, इसमें सारा जितना भी है ना ब्रास का काम हुआ होना चाहिए। आजकल ज्यादा शीटें वो चल रही हैं जिसकी ये पीछे वाली जो बैग है ना ये मेटल में है। ठीक है, इससे ये होता है कि जब बटन को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, जो प्लास्टिक वाली पहले शीटें थी लगी हुई थी उनके अंदर ये था कि भी वो प्लास्टिक का होने की वजह से पीछे लोगों के अंदर ही चले जाते अंदर चले जाते थे कि वो, या शीट जब दीवार के ऊपर लगाते थे तो डी शेप हो जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी। अब ये देखें, इसके अंदर जरा भी गुंजाइश नहीं है,
तो जब मेटल की लगाएंगे तो उससे अर्थ भी तो आने के चांसेस होंगे नहीं? अर्थ इसका क्या नाम, वो कंपनियों ने पहले से इसको जो है ना वो देख रखा है कि जाहिर उन्होंने लगाई है, कुछ ना कुछ तो किया होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किया है कि इसके बीच में जो है ना ये सिर्फ जिस पे बटन लगते हैं ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली मेटल में, इसके बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, उन्होंने प्लास्टिक की शीट इसके बीच में जो है ना साइडों पे पहले से इसके अंदर यूज कर रखी है और बटन भी प्लास्टिक के, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली चीज जो है ये सारी प्लास्टिक की है, जस्ट जिसमें बटन फिक्स है, जो शिकंजे के अंदर जिसके अंदर फिक्स है, वो शीट जो है ना मेटल की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि आप जब शीट देने जाएं तो कोशिश करें कि ये टच भी ना हो, मेटल और मेटल में होनी चाहिए, मेटल तो आप उससे बच सकते हैं। वो जो दो तीन चार साल बाद आप इसको प्रेस करते हैं तो अक्सर लोग प्रेस कर करके इसको अंदर चला जाता है ये बटन, ऐसी तो टेढ़े-मेढ़े से हो जाता है। हां, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, अक्सर मैंने देखा लोगों के ना ये जगह अंदर चले जाते, टूट जाते बटन, तो वो ये प्रिवेंट करेगी, ये शीट इसको प्रिवेंट करेगी, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। कोई ऐसा ब्रांड कोई भी जो ऐसी जिसमें ना लगी हुई हो वो दिखाएंगे आप हमें? प्लास्टिक की? हाँ, अब ये रही ऐसे, ये प्लास्टिक की है सारी। अच्छा, आगे पीछे से जो है ना। अच्छा, तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि ये बटन लग जाए, थोड़ा बहुत। तो ये प्राइस कम होती है, ये ज्यादा होती है? लाजमी सी बात है, तकरीबन 100 रुपए का जो है ना। अच्छा, शीट के अंदर फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन पूरे घर के अंदर भी मेरे ख्याल 20 शीटें मिलने लगती, 2000 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता। ये वाली शीट अगर मेटल में लग जाए ना तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि ज्यादा दिनों तक चलेगी। तो व्यूअर, मेरा ख्याल है कि अगर 2000 रुपए के डिफरेंस से अगर हम ये, हाँ, पूरे घर में तकरीबन 20 साल के लिए हम ये लगा लें फिटिंग, तो मेरा ख्याल है कि ये काफी डिफरेंस कर देगी। 2000 रुपए नॉट अ बिग अमाउंट इन कंपैरिजन टू जो प्लास्टिक का जो आप बता रहे हैं कि अगर बटन अंदर जाने का जो खतरा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसी ठीक हो गया। चले आसिफ भाई, आज की वीडियो बड़ी लंबी हो गई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने के लिए। कोशिश यही होती है कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, और कोशिश करेंगे हमारे और भी जो हमारे दोस्त यार हैं। एक दो चीज़ें और मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय राणा आसिफ साहब, वी हैव रिक्वेस्टेड हिम कि हमें आप टाइम दें, हमें इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ऑल्दो मैं ये इन्फॉर्मेशन सारी भी आपको खुद दे सकता हूं, बट ही इज़ चूंकि डूइंग दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, तो ही इज़ एक्सपर्ट इन दिस, तो ही विल बी टेलिंग यू इन अ गुड कहेंगे इन्फॉर्मेशन के उस मैनर में आपको बता सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें ये करें, ये स्पॉन्सर नहीं है इनकी तरफ से वीडियो। और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, गौरी टाउन के अंदर इनका शोरूम है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और भी लोगों से हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं जहाँ कहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम एक अच्छा टाइलों के ऊपर एक अच्छी वीडियो आपके ऊपर बना के आपके साथ शेयर करें, टाइल्स के ऊपर, ताकि वो आपको हम उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे सकें कि किस ब्रांड की टाइल्स, चाइना की टाइल्स, स्पेनिश टाइल्स, उनके अंदर क्या डिफरेंसेज हैं और उनके अंदर आप क्या क्वालिटी कैसे जो है ना अच्छी ऑब्टेन कर सकते हैं या उनको कैसे चेक किया जा सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, कीप ऑन वॉचिंग, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।